करते हैं, बहुत ही भोले वाले लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो इन्हें ऐसा किसने कहा है ये प्रधान जी जानना चाहते हैं। इनसे हम इन सारे सवालों के आज जवाब लेंगे जो जनता के सवाल है, हमारे सवाल नहीं है। तो प्रधान जी सबसे पहले ये बताइए, आपका आरोप है बसी की जनता का कि आपने स्कूल का जो विकास कराया वहाँ से पेड़ भी काट लिए गए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, वहाँ पेड़ से लिप्ट के वो कटे हैं और वो प्रधान को पावर ही नहीं पर कटवाने की, वो मैडम ने प्रस्ताव करा, उनके खाते में जमा हुए पैसे, और अगर ऐसा कोई कह रहे कि हमने कटवाया, उनसे लिखित में लो, मैं उनके खिलाफ नोटिस कोर्ट से भिजवाऊंगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे आप पदमपुर के ही निवासी हैं और वहीं के प्रधान हैं, तो उस कार्यकाल में आपने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया है, बल्कि बारात घर शौचालय वगैरह सब वहीं पर बन गए, यहाँ पर इन गरीब जो जनता है इनके लिए कोई भी अभी तक आपने विकास कार्य नहीं किया है। और ये शौचालय की जो बड़ा शौचालय बना हुआ है, गांव में तो ये बताएंगे व्यक्ति के किसान शौचालय बना है या नहीं लिया इन्होंने, वो तो अपनी आप ही लगानी पड़ती है। जो बड़ा शौचालय बन रहा है वो पंचायत घर पर बनता है, और हमारा पंचायत घर वहाँ बना हुआ था, वहाँ वो बना हुआ, और मेरे से पहले ही जो प्रधान थे यानी कि पापा जी थे हमारे, उनके टाइम से वो चल रहा था काम, और वहाँ मेरे टाइम में पूरा हुआ है। और बारात घर की भी बात आ रही है, बारात घर भी वहीं क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं? बारात घर गाँव वाले अपनी जमीन देख कर, और वहाँ हमारी कुछ सरकारी जमीन पड़ी, वो देख के वहाँ वो पैसा इकट्ठा करके अपना वो बना रहे हैं। अगर यहाँ बसी वाले चाहते हैं बनाना तो जमीन यहाँ भी बहुत पड़ी है, पैसा इकट्ठा करो, और हम भी उसमें अपना पैसा, पंचायत से नहीं मिल सकता, पंचायत से बारात घर को आज तक नहीं मिला, जैसा कि वीडियो में कैब ने 1 लाख रुपये पंचायत घर के नाम पर निकाल लिया, बारात घर के नाम पर पैसा आता ही नहीं कभी, और आज तक किसी पंचायत में बारात घर का पैसा नहीं आया और ना आ सकता। कोई झूठ बोलता रहे कि बारात घर का पैसा आया, वो एकदम झूठ बोल रहा है और वो उसका जिम्मेदार बनेगा उस चीज। प्रधान जी ये बताइए कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सीसी है ये पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है और कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि एक ही इसे ही 3 बार रिपेयर करा दिया गया है साल में और ये कहीं रिपेयर भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा गांव वालों कहना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पीडब्ल्यूडी से बनी है, मैंने इसकी मांग करी थी और उधर भी एक पीडब्ल्यूडी से बनवाई मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ वो दे तो रास्ते बहुत ख़राब थे, और आज हमसे पहले यहाँ कोई सीसी किसी प्रधान बनवाई नहीं गाँव में, एक भी सीसी नहीं थी, अगर ना यहाँ से पूछ लो हमसे पहले कोई सीसी थी क्या? और दूसरी बात, अभी एक विक्की की दुकान है जहाँ, वहाँ से अंदर एक खड़ौंजा पड़ा हुआ, वो आज तक कभी भी उस पर सीसी का काम हुआ नहीं और ना बना और ना किसी कागज में पास और ना उसका पैसा निकला, ये कह रहे वीडियो में उसका पैसा निकाल लिया, अगर उसका पैसा निकला उसकी वो जाँच करा कर, अगर हमें निकाला हो उसका या सीसी दिखा कर निकाला हो तो हम यहाँ से हथकड़ी लगा कर घुमा कर लेकर जाए वो, और अगर इन्होंने झूठा आरोप लगाया तो इनको यहाँ से लेकर संभव घुमाया जाए वो। तो प्रधान जी एक बात बताइए, देखिए ये जो जगह है इसकी बहुत बड़ी शिकायत है यहाँ के लोगों की, ये रास्ता ऐसा क्यों, ये लोग कैसे चलेंगे, क्यों नहीं यहाँ पर खड़ंजा पड़ा अब तक? ये खड़ंजा पड़ा हुआ है, खराब रास्ता मुझे पता, अभी 10-15 दिन पहले रोड बनी है ना, पता है गाँव वालों को, और ये मैंने पास करा ली, अभी 8 दिन पहले इसका एस्टिमेट बन आ गया, बरसात होने की वजह से नहीं ये बन पा रहा, बारिश में अब जाए बारिश रुक जाएगी 2-4 दिन में ही, इसमें काम शुरू हो सकता है कल परसों में काम शुरू हो जाए, और ये जो बना रहे हैं ना ये इसीलिए कह रहे हैं कि हमने वीडियो बनवाई तो इसलिए बना, जबकि 8 दिन पहले इनकी वीडियो बनने से पहले इसका एस्टिमेट बनकर आ गया और पूरी गलियों का बन गया है जो अंदर गली है, और ये गहरा पहले बाहर की रोड बनाई ताकि जितनी ऊंचाई बाहर हो जाएगी इसको उसी से उठा कर बना कर जाए जो पानी ना रुके, पहले अंदर बनाते हैं, अगर बाहर की रोड हमारी ऊँची हो जाती तो पानी रुक जाता है इसमें, फिर बाहर की बनवाई मैंने पहले, अब बनकर आएगी मतलब अभी नहीं आई, और ये 8 दिन पहले इन्होंने परसों वीडियो बनाई, इससे 8 दिन पहले ही ये पास होगा एस्टिमेट मेरा, जल्दी काम होकर शुरू होने वाला। तो देखिए यहाँ पर प्रधान जी मौजूद है और अभी इस गली की बात हुई और इनका कहना है कि अभी 2-4 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा, बल्कि सारी गलियों का काम शुरू होगा जी, कि अब गुलदार का बहुत चल रहा है लेकिन यहाँ पर लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं, इस तरह के बल्ब लगाए गए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सारे यहाँ पर मैंने दोनों गाँव में लगभग 60 बल्ब लगाए और लगभग इसके 8,000 रुपये निकले हुए, होल्डर बल्ब और केबल टोटल के 8,000 रुपये निकले हुए, क्योंकि गुलदार का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इस गांव में काफ़ी रास्ता जंगल से जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं लाइट लगाऊं तो लगभग जो 16 लाइट है वो एक 16 लाइट 14,000 की कीमत की आ रही है, और मेरी पंचायत में किस्त जब स्टार्ट हुई थी तो 22,000 रुपये महीने की आ रही थी, आज की डेट में इस बार 43,000 रुपये किस्त आई, जिसमें से 20,000 रुपये मान देगा जाता हर महीने, 20,000 रुपये हर महीने जा रहा मान देगा जो सफाई कर्मचारी और शौचालय वाला और प्रधान का मानदेय होता अर्जेंट में करने के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, ये बल्ब लगवाए एलईडी वाले, और अगर एलईडी वाले बल्ब ना लगवाता तो शायद एक ही लाइट यहाँ में लगवा सकता था, वो भी 14,000 की, और जो कि मेरे पास बजट नहीं है कि मैं बड़ी लाइट लगवा दूँ यहाँ, ये लाइट का तो इनके लिए सौर ऊर्जा की कब तक आएगी लाइट? सौर ऊर्जा का
जब बजट मेरे पास होगा तब मैं लगवा दूंगा, क्योंकि ये बता सकते हैं पहले प्रायोरिटी पर ये है या सोलर लाइट, और इमरजेंसी में क्योंकि बजट नहीं था मैंने इसीलिए 8-9 हज़ार की जो भी लाइट लगी ये दोनों गांव में केबल से जुड़वा कर लगवा दी है ना, बड़ी एलईडी वाली कम से 40 लाइट चाहिए यहाँ, कम से कम 15 हज़ार की एक लाइट सोलर वाली पूरे गांव का मतलब नहीं, वो किराया आ रहा वहाँ लाइट लगवाओ। हम लोगों ने कहते हर खंभे पर लगवाओ, जहाँ मोर्चा है चौराहा है वहाँ लाइट लगवा दी जाए। मैं अभी वही कह रहा हूँ मेरे पास इतना बजट नहीं है कि यहाँ मैं इतने 10-15 या 20 लाइट लगवा दूँ। आरोप लगे कि आपने पैसा तो बहुत निकाल लिया है लेकिन आपने यहाँ पर कार्य नहीं कराया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो जिस सड़कों पर ये कह रहे हैं जिस लोग जो भी वो लोग बोल रहे हैं वो प्रमाण के साथ मुझे कोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि जिसका पैसा निकला है अगर किसी खड़ौंजा दिखाने आगे खड़ौंजा बता रहे हैं कि वो सीसी बना का पैसा निकाल लिया, अगर उसका पैसा आज तक ना निकला हो ऑन रिकॉर्ड कभी भी तो उसके जिम्मेदारी है, और निकाला हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जनता में यहाँ पर जो है ये इस समय यहाँ पर प्रधान जी खड़े हैं, जनता हमारे साथ है, जनता की समस्या हमने रखने का पूरा प्रयास करा है और कोशिश की है कि लोगों की समस्या का हम समाधान कर सके। अगर और भी कोई किसी की समस्या हो तो वो इस समय रख सकता है क्योंकि हम इस समय वीडियो में लाइव चल रहे हैं। सीसी रोड सिला के घर से कमापू वाली सड़क तक उस पर ये बता रहे 3 बार पैसा निकाल लिया, अगर उस पर 3 बार पैसा किसी ने निकाला हो तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करी जाए, अगर ये झूठ बोल रहे हैं उस पर तो उनके खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई करी जाए। प्रधान जी यहाँ पर एक आरोप आप पर और लग रहा है, मैं यहाँ रखना चाहूंगी इस बात को भी कि जो पहले प्रधानी थी वो भी आपके परिवार में रही, आपके फादर पे रही है, तो आपके फादर के समय पर क्यों नहीं हुआ विकास, ऐसा लोगों का कहना है, आप तो चलो करा रहे हो तो इसका कारण बताइए। यहाँ पहले प्रधान पापा ही बने, उस टाइम इस गाँव में कोई सीसी नहीं थी, कोई नाला नहीं था, एक भी नाला मतलब पूछ लो कहीं पक्का नाला हो तो, और जब बजट जितना आता उसी हिसाब से बनवाता प्रधान अपने घर से या कहीं से ला के नहीं बनाता, उससे पहले जब कोई नाला नहीं था कोई सीसी नहीं थी, आप इनसे पूछो लगभग 800-900 मीटर सीसी का निर्माण हुआ ही नहीं 8 साल में। तो इनका कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है पदमपुर में हो रहा है, इस बात के बारे में क्या कहेंगे आप? पदमपुर में मेरे टाइम में एक भी सीसी नहीं पड़ी, पापा जी के टाइम में एक सीसी पड़ी थी केवल टावर का रास्ता वहाँ 100-150 मीटर की, उसके अलावा कोई सीसी आज तक पदमपुर में नहीं पड़ी पंचायत के द्वारा। तो देखिए 8 दिन का वादा यहाँ प्रधान जी कर रहे हैं कि आपकी गलियाँ बनेगी, 8 दिन का वादा, अगर 8 दिन में यहाँ पर ये कार्य नहीं होता है तो हम फिर से यहाँ पर 8 दिन बाद आएंगे और फिर से यहाँ पर प्रधान जी खड़े होंगे कटघरे में और इन्हें देना होगा जनता के सवालों का जवाब। तो क्योंकि हर काम का प्रोसीजर होता, हम इसको लगभग 6 महीने से इस रोड को मांग रहा हूँ, यहाँ पता लोगों जी जो बात हो रही है यहाँ वेद प्रकाश रहता है उससे बात होती है 30 दिन को जी कब बन रही है, मैं कागज भेज दिए हैं, जैसे ही हमारे पास अप्रूवल आ जाए इस पर काम लगा देंगे, अभी 6-7 दिन पहले लगभग 8 दिन पहले हो गए होंगे ये इसका अप्रूवल आ गया है, इस्टीमेट बन गया है, और बारिश या उसकी वजह से किसी वजह से नहीं बन पाए 2-4 दिन में इस पर काम लगने वाला है। अभी जाकर देखो जिसके खेत का क्या कारण है, जो नाला बसी से लेकर तितवाली रोड पर तालाब तक जाना था वो लगभग 350 मीटर पास हुआ था, समाज कल्याण विभाग से मांगा, हमारे पास उसका कोई पैसा नहीं आया, कोई हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, केवल हमने डिमांड भेजी थी कि हमारे बसी गांव में बहुत दिक्कत है एक नाले की व्यवस्था करी जाओ, नाला वहां से आ गया, लेकिन जब वह बनना शुरू करा तब वहां थोड़े कुछ एक खेत पर आकर पेड़ बने हुए थे तो उनके जेई न समाज कल्याण विभाग के लिख कर भेजे आगे पेड़ तो उन्होंने वहीं रोक दिया, और उसके लिए मैंने उनसे कई बार प्रयास कर लिया कि उसको दोबारा सर्वे करा लो, अगर आपका बजट है तो हमें वो नाला दे दो, हमारे बजट से कोई नाला नहीं बना वो बोला। तो आपका कहना है कि अभी पैसा इतना नहीं आ रहा है कि आप विकास करा सके इतना ज़्यादा? हाँ जितना हमारे पास पैसा उसके हिसाब से टोटल ही काम बसी में हो रहा, अभी तक कोई सीसी कोई नाला पंदपुर नहीं बढ़ा अभी तक, वो रास्ता कागजों में 3 मीटर चौड़ा है, मैं 3 मीटर चौड़े रास्ते में नाला भी बना लूं और 3 मीटर रास्ता भी छोड़ दूं मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा ये एक परमिशन मुझे दिवा दें कि जिसका भी खेत हो किसी का भी उसके खेत में नाला बनवा सकूं मैं तो वो नाला बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भला किसी भी अधिकारी के पास कोई परमिशन नहीं कि किसी का खेत जाकर नाप लो, और मौके पर जब कब्जे पिलर उसके खड़े हुए पहले ही मैं पिलर नहीं हटा सकता किसी किसान के, और इधर बराबर में सुनो जो मकान वो सारे परती में बने हुए हैं, परती के पीछे मैंने कहा यहाँ नाला बन जाएगा लगभग 9 इंच की चौड़ी में ईंट लगा कर 1.5 फीट छोड़कर तब बनवा दूंगा, 14 इंच का पुस्ता बनवा दूंगा, उन्होंने कहा जी 1 मीटर छोड़कर तब नाला बनवाओ, यानी कि 3 मीटर में 1 मीटर नाला छोड़ कच्ची पुस्ता छोड़ूँ, तार बार पुराने किसान ने कर रखी इन्होंने शायद जानबूझ कर उनसे कराइए तौर बार, यही जो बताएंगे गाँव वाले कि जो प्रधान जी है 3 बार इसका पैसा निकाले गया लेकिन ये रोड कब पड़ी थी कैसे पड़ी थी तो यहीं के लोगों से हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी तो ये बताइए कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं तो ये
रोड कब बनी, कितने साल हो गए होंगे इसे? बारी बनी है, अभी तो होगा ना। हाँ, पिछले योजना बनी इनकी प्रधान की। तो ये बताइए, इसमें आरोप लगाया जाएगा, इसमें तीन बार पैसा निकल गया, और इसकी रिपेयरिंग क्या तीन बार हुई है? एक ही बार हुई। हाँ देखिए, एक बार बोलते हमें एक ही बार हुई, हम बताने लगा कि 10 बार हुई, हम एक ही बार हुई है। एक ही बार हुई है, तो एक बार ये रोड बनी है, और अभी इसे ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल का समय बताया जा रहा है, इनकी प्रधानी में ही बनी है ये, लगभग 6-7 साल पानी मेरी प्रधानी में बनी। अगर मेरी प्रधानी में बनी हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, और जो ये कहने के 1 साल या 2 साल पहले बनी है, अगर वो झूठ बोले उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आपकी प्रधानी में नहीं बनी है? मुझे 3 साल हो गए, उससे भी कई साल पहले बनी हुई है। मीडिया वाला आए थे ये, तो वे कागज ले रखा था मीडिया वालों ने, उसको सब पढ़ पढ़ के बताते इसका 3 पैसा, ये 3 डब्बा आ गया, ये ऐसा आया इनको रिपेयर कर, ये बोल रहे थे रिपेयर, इनको रिपेयर नहीं हुई, तो 3 बार का पैसा कैसा आया? वो कागज ले रखा था उन्होंने मीडिया वालों ने, अपने कागज पढ़ा था वो मीडिया वाले खुद ही पढ़कर ये बता रहे। बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने केवल सुना है कि यहाँ की CC है, इसके 3 बार पैसे निकाले गए, तो ऐसा किसने बताया आप लोगों को? आपने वो कागज पढ़े? हाँ जी, हम पढ़े, हमारे भाई ने पढ़े, दूसरे ने। हाँ, तो क्या लिखा था कागजों में? ये इनको 3 बार पैसा CC का आ गया, मरम्मत का लगाया और डलने का लगाया, और शुरू में 3 लाख जाना कितना उसमें दिखा रखा शुरू में डलने का इसका। कागज तो गांव में ही पढ़ी रहे थे उन्होंने, जो लड़के पढ़े हैं, जो पढ़ने वाले आपके गांव के लड़के थे वो? हमारे गांव के थे वे, जो इनके गांव वाले पहुँचाए या किसी ने दिया हो ऐसा है। मीडिया वाले भी आए थे यहाँ पे? आए थे। मीडिया वालों ने आपसे सवाल जवाब किए थे, कुछ पूछा था? आप ये पूछा था इनको CC का पैसा क्या इन एक बार डली है, कई बार इनको जी हाँ एक बार डली है, तो 3 बार उन्होंने कहा इनको 3 बार के पैसे आए हुए इसमें। तो क्या नाम है भैया? हाँ, पर मैं चल राम। राम जी, ये बताइए ये वाली जो CC है ये कब बनी? CC 17 में बनी है, 2017 में। इसकी रिपेयरिंग कोई नहीं हुई अभी, कोई रिपेयरिंग नहीं इसकी। ये जो मुकुल प्रधान है, इस समय प्रधान पति हैं जो, उनकी इनकी में बनी है नहीं मरी हो? तो देखिए, यही वो CC रोड है जिसमें यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि इसके पैसे जो है 3 बार निकाल लिए गए हैं, तो ये वो रोड है। और जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि ये जो रोड है ये 2017 में बनी, इनकी प्रधानी में बनी ही नहीं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो मुकुल जी, ये बताइए, ये रोड अभी हमें बताया कि 2017 में थी, आपकी प्रधानी में नहीं बनी, तो फिर आपने इसकी बनाई के पैसे कैसे निकाल लिए? अगर इसमें बनाई के पैसे कभी निकले हों तो मेरा एक आपके चैनल से रिक्वेस्ट है DM साहब से, इसकी जांच करा कर और वहाँ रिकवरी ना कराओ, यहाँ ही हथकड़ी लगा कर उस आदमी को घुमाया जाओ जिसने पैसे निकाले हों। और अगर कोई ये कह रहा है कि इस बीच में तीन बार पैसा निकला, वो अपने नाम से, मैं पिता का नाम, अपने पति का नाम बताकर यहाँ कह हुआ कि जी इसमें 3 बार पैसा निकला, और जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करी जाओ। अगर झूठ वो बोल रहा, अगर मैं झूठ बोला मेरे खिलाफ करी जाओ, और खाली वहाँ रिकवरी होती है, रिकवरी की नहीं कह रहा, यहाँ भी घुमाया जाओ रोड पर कि इस आदमी ने यहाँ पैसे निकाले थे, और उस आदमी को भी यहाँ हथकड़ी लगा घुमाया जाओ अगर वो झूठ बोल रहा हो। तो देखिए, यहाँ काफ़ी बड़ा दावा यहाँ प्रधान जी के द्वारा किया जा रहा है, तो हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि अभी बनी है मुकुल जी के, उसमें तो ये जानकारी आपके यहीं से गई थी? अभी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी बिल्कुल। उन्होंने भी तो पूछा होगा आपसे आके? हमने ये भी पूछा होगा कब बनी हो, कुछ नहीं पूछा। तो आपसे क्या बातचीत? हमसे ये बताया गया कि इसके 3 बार पैसा निकल चुका, इसकी इसकी रिपेयरिंग का किसने कहा है ऐसा आपके? ये नहीं मालूम, खैर कितना का नहीं, बाकी 3 बार पैसा इसका रिपेयरिंग का निकल चुका, बाहर निकल गया है। तो ये बताइए, पहले भी यहाँ पे वीडियो कवरेज हुई थी, तो आपसे बातचीत की गई थी यहाँ पर, कुछ पूछा गया था आप लोगों से, आपकी समस्याएं पूछी गई थी? ना, हम तो कोई समस्या नहीं पूछी गई। तो देखिए, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि इनसे समस्याएं यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं, और काफ़ी जो आरोप है वो प्रधान जी पर लगे, और आज भी बहुत सारे आरोप प्रधान जी पर लगे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को आमने सामने लाएं और दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखें। ये दोनों पक्षों की बात हमने आपके सामने रखी है, इन लोगों की समस्याएँ रखी है, क्योंकि ये जनता है, और जनता जो है वो प्रधान को चुनती है, और उनका पूरा हक है कि वो अपने विकास के लिए जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, उन्हीं की ओर आज से देखती है। इन लोगों की बहुत समस्याएँ हैं, तो इन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं प्रधान जी के सामने, हमने ये समस्याएं रखी हैं, प्रधान जी ने भी अपना पक्ष रखा है। तो ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से हमने रखने का पूरा प्रयास किया है। हमारा अथक प्रयास है कि आपके सामने सच्चाई लाएं। आगे आप लोग समझदार हैं, आप ही फैसला कीजिए कौन सही कौन गलत। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैंने वीडियो देखी बनाई है, उसमें एक खड़ौंजा पड़ा विक्की घर से लेकर अंदर सारा श्याम लाला का घर बताया उन्होंने, वहाँ आज भी खड़ौंजा है, और कभी उस पर CC पड़ी नहीं, जो कि वे लोग कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ कि CC बन गई, इसका पैसा निकाल लिया। और
इसके लिए भी तीन बार बोल रहे हैं कि तीन बार पैसा निकल गया। मैं इनसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ वे कौन लोग हैं, उनके नाम ये बता दें कि जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी जांच कराऊंगा और उन्होंने झूठ बोला तो उसके खिलाफ मैं केस भी करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक आम आदमी किसी के बहकाए से अपना नाम बताओ जी हाँ जी इन्होंने निकाला, मैं कह रहा हूँ ये ना कहूँ जो इनसे कह रहा जो दावा कर रहा उसका नाम बताया जाओ बस। मैं और किसी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना उसके करूँगा जो ये कह रहा है कि तीन बार पैसा इसका निकल गया, वो खड़ौंजा पड़ा हुआ मुख्य आज भी खड़ौंजा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो सीसी बन गई कागजों जो ये बात कह रहा उसके नाम बताओ। और कोई गांव का भी कहना चाहता हो कि हाँ जी हमारे सामने निकला पैसा या बनाया वो कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई में उसके खिलाफ करूंगा जो यहाँ आकर ये बातें फैला रहा है कि ये पैसे तीन बार निकल गए सीसी और वो खड़ौंजे के पैसे निकाल दिए सीसी बन के, आज तक बनी नहीं सीसी, वो किसी रिकॉर्ड में सीसी नहीं बनी। देखिए दोस्तों आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, हमने भी देखा जो यहाँ की इस गांव की जनता है तो थोड़ा सा आपको दिखा होगा कि कम एजुकेटेड है, एजुकेटेड लोग बहुत कम है और यहाँ पर प्रधान जी का कहना है कि भ्रांति फैला दी गई है। तो ये भ्रांति किसने फैलाई है, तो प्रधान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए क्योंकि अभी कहा गया कि ऐसा कहा गया, अभी इसी गाँव के व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि ऐसा हमें बताया गया कि इसके पैसे जो है वो तीन बार निकाले गए, जबकि यहाँ की जनता को आप देख सकते हैं बहुत ही भोले भाले लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो इन्हें ऐसा किसने कहा है ये प्रधान जी जानना चाहते हैं। हिना है कोई तो देखिए यहाँ पर प्रधान जी का कहना कुछ और है, लेकिन जनता को शिकायत है तो जो सरकारी प्रोसेसर होते हैं वो जनता नहीं जानती, लेकिन जो काम होता है वो जरूर जनता देखती है। तो जितना काम हुआ है हमने लोगों से पूछा है, हमने भी देखा है, तो फिलहाल यहाँ पर कम बहुत काम हुआ है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन 8 दिन में देखते हैं जो प्रधान जी ने हमें जवाब दिया है तो उसके बाद क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।